अशोक स्तंभ का इतिहास। दोस्तों 22 जुलाई 1947 ये वो दिन था जब अशोक स्तंभ के चक्र को तिरंगे में जगह दी गई थी और कुछ साल बाद 26 जनवरी 1950 को भारत अपना खुद का संविधान बना लेता है और इसी दिन भारत सरकार सारनाथ में बने अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह का दर्जा दे देती है। अशोक ने पूरे भारत में ऐसे कई स्तंभ बनवाए थे लेकिन अफसोस अभी 7 ही अशोक स्तंभ है जो सही सलामत बचे हुए हैं। आखिर क्या है अशोक के स्तंभ के गुम होने की कहानी और इसके पीछे छुपा इतिहास, इसे समझने के लिए आपको काफी साल पीछे चलना होगा। दोस्तों 304 से 232 ईसा पूर्व का ये वो समय था जब अशोक का भारत पर राज हुआ करता था। अशोक इतना शक्तिशाली सम्राट हुआ करता था कि इसका नाम दुनिया के कोने कोने में फैला था। सम्राटों का सम्राट अशोका दी ग्रेट के नाम से जाने जाने वाला अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। वही चंद्रगुप्त जिसने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। सम्राट अशोक का एम्पायर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार तक फैला हुआ था, जिस वजह से उस समय अशोक का ताकतवर होना कोई हैरानी की बात नहीं थी। अशोक का पूरा नाम देवाना प्रिय अशोक था, जिसका साफ मतलब था वो आदमी जिसे सभी देवता पसंद करते हो। अशोक भारत के इतिहास में सबसे क्रूर राजाओं में से भी एक था। इसे ये पहचान कलिंग की लड़ाई में मिली थी जो 261 ईसा पूर्व में अशोक और कलिंग के राजा के बीच लड़ी गई थी। उस समय कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन थे और जंग के मैदान में अनंत पद्मनाभन और सम्राट अशोक की सेना आमने सामने खड़ी थी, जिसके बाद एक खौफनाक जंग शुरू हो जाती है। इससे पूरा का पूरा कलिंग जंग का मैदान बन जाता है। कलिंग की लड़ाई में मारे गए लोग इतने ज्यादा थे कि ये उस समय का सबसे बड़ा नरसंहार बन गया। कलिंग की लड़ाई में 1,00,000 लोगों की जान चली गई थी और 1,50,000 कलिंग के सैनिक को अशोक ने बंदी बनाकर मार दिया था। भले ही ये सुनकर आपके होश उड़ गए होंगे और दिल भी पसीज गया होगा, लेकिन सच तो यही है, अशोक ने इस लड़ाई में खून की नदियां बहा दी थी। इसीलिए आज भी अशोक को दुनिया क्रूर सम्राट के रूप में देखती है। लेकिन ये लड़ाई अशोक की जिंदगी को पूरी तरह से बदल देती है। अशोक जब जंग में मारे गए सैनिकों को देखता है तो उसका पत्थर का दिल भी पिघल जाता है और सभी मौत का जिम्मेदार खुद को मान लेता है। युद्ध के बाद सम्राट अशोक बुद्ध का शिष्य बन जाता है और कभी युद्ध ना करने की कसम खाकर हमेशा के लिए युद्ध से तौबा कर लेता है। इसी तरह यह सम्राट अशोक की आखिरी लड़ाई साबित होती है। सम्राट अशोक की मौत 232 ईसा पूर्व पहले हो गई थी, लेकिन इनकी मौत कैसे हुई ये कोई नहीं जानता। कईयों का मानना है कि सम्राट अशोक अपने आखिरी वक्त में काफी बीमार थे और इसी वजह से इनकी मौत हुई थी, लेकिन आज बिना किसी ठोस सबूत के ये कह देना काफी मुश्किल है। भले ही इतिहास के पन्ने अशोक को निर्दयी शासक बताते हो, लेकिन शायद आपको नहीं पता कि बौद्ध की शरण में जाने के बाद अशोक ने भारत के कई हिस्सों पर स्तंभ बनवाए थे, जिसे आज दुनिया अशोक स्तंभ के नाम से जानती है। अशोक के जाने के बाद कई सम्राट ऐसे थे जिन्होंने कई स्तंभ को तोड़ दिया था और अभी 7 स्तंभ ऐसे हैं जो सही सलामत मौजूद है। इनमें से 5 अशोक स्तंभ को पूरे भारत में जाना जाता है, जैसे अशोक स्तंभ सांची, अशोक स्तंभ दिल्ली, अशोक स्तंभ इलाहाबाद, अशोक स्तंभ वैशाली और अशोक स्तंभ सारनाथ। लेकिन इनमें से सारनाथ के अशोक स्तंभ को भारतीय लोकतंत्र में सबसे ज्यादा वैल्यू दिया गया है। जुलाई 1947 में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
संविधान सभा में अशोक चक्र को तिरंगे में शामिल करने का प्रस्ताव दिया था, जिसे दिसंबर 1947 को मंजूरी मिल जाती है और 26 जनवरी 1950 को इसे तिरंगे में जगह दे दी जाती है, जो भारत के लिए गर्व की बात थी। अशोक के स्तंभ में जो आप चार शेर को देखते हो, असल में ये शक्ति, साहस, आत्मविश्वास और गर्व को दिखाता है, जिसे सिंह चतुर्मुख बोला जाता है, जो भगवान बुद्ध के बताए चार सच को बताता है। स्टैच्यू में हर शेर के नीचे एक 24 तीलियों वाला अशोक चक्र मौजूद रहता है, जो 24 घंटे को बताती है। इसे समय का पहिया भी कहा जाता है। अशोक के इस स्तंभ को राष्ट्रीय दर्जा मिलने की वजह से इसे कोई भी आम व्यक्ति गवर्नमेंट की परमिशन के बिना नहीं रख सकता, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसी के मुताबिक इसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और अधिकारी अपने साथ रख सकते हैं। और इसके अलावा किसी के पास ये मिलता है तो उसे 1 से 2 साल की सजा जेल में काटनी पड़ सकती है, साथ ही उसे 5,000 का जुर्माना भी देना होगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने सारनाथ में इसे खुदाई के वक्त खोजा था। आपको बता दे कि ये अशोक स्तंभ का ऊपर का हिस्सा है। इसे 1905 में ढूंढा गया था और इसे खोज निकालने का क्रेडिट जर्मनी के सिविल इंजीनियर फ्रेडरिक ऑस्कर ओएट्रेल को जाता है, जिन्होंने सारनाथ के आसपास खुदाई करते दौरान इसे पाया था। अशोक के स्तंभ पर भारत बहुत गर्व करता है। तिरंगे के बीच में जो चक्र भारत की शोभा बढ़ाती है, वो डिजाइन इसी स्टैच्यू से लिया गया डिजाइन है, जिसे आज दुनिया अशोक चक्र के नाम से जानती है। इसके अलावा इस स्टैच्यू के वॉटरमार्क को आरबीआई के नोट्स और कॉइन्स पर भी देखा जा सकता है। साथ ही अशोक के इन चक्रों के बीच में जानवर दिखाई देते हैं, जो घोड़ा, बैल, हाथी और शेर के डिजाइन के है। स्तंभ बेस खिले हुए कमल से इंस्पायर होकर बनाया गया है, जो उत्तर प्रदेश के सारनाथ के म्यूजियम में संभाल कर रखा गया है। तो दोस्तों, ये था अशोक स्तंभ का इतिहास। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।